तो गाइस फाइनली अब हमारे यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे फर्स्ट पेमेंट कितना रिसीव हुआ है, कितने दिन में रिसीव हुआ है, या फिर मुझे फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और अगर आप एक क्रिएटर है तो आपको फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो गाइस सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियोस को नहीं देखते, वीडियोस को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये हमारी जो फर्स्ट पेमेंट आई है ये पॉसिबल ही नहीं था। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी फर्स्ट पेमेंट आई है ये आप लोगों की लव और सपोर्ट की वजह से ही आई है। अगर आप लोगों का लव और सपोर्ट नहीं होता तो ये हमारी फर्स्ट पेमेंट कभी भी नहीं आ पाती। तो गाइस कोई भी जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक क्राइटेरिया सेट होता है कि हमें मंथ के लास्ट में या फिर दो मंथ के लास्ट में इतनी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स जब हम वीडियोस स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पर बनाना, तो हमें यहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता है कि हमारी फर्स्ट पेमेंट कितनी आएगी, कब आएगी और आएगी भी या नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स यही सारे डाउट्स मेरे भी थे जब मैंने अपनी यूट्यूब पर पहली वीडियो अपलोड की थी। तो मैंने जब अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी जुलाई 2019 में यूट्यूब पर, तो यहाँ पर उस वीडियो पर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। काफी लोगों के लिए मैंने वीडियो शेयर की, लेकिन दो तीन वीडियो बनाई लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स ना आने की वजह से मैंने वीडियो बंद कर दी बनाना। लेकिन मैं बीच बीच में यहाँ पर वीडियोस डालता रहता था। गाइस यूट्यूब पर इतने दिन काम करते हुए मैंने एक चीज यहाँ पर सीखी है कि अगर आप यूट्यूब पर रेगुलरिटी बनाकर नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप रेगुलरिटी बना के रखेंगे तो आप जरूर से ग्रो कर पाएंगे। तो भाई फ्रेंड्स मैं यहाँ पर पहले गलती कर रहा था, मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो नहीं डालता था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 9 जून से अपनी रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट की, और जब मैंने रेगुलर वीडियो स्टार्ट की डालना तो यहाँ पर मेरी कुछ वीडियो सर्च रिजल्ट्स में भी आने लगी और मेरा चैनल भी धीरे धीरे ग्रो करने लगा। फाइनली जब मैंने जून 2020 से अपनी रेगुलर वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट की तो मेरे 21 नवंबर के लिए यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर हो गए। तो गाइस अगर आप क्रिएटर होंगे तो आपको पता होगा यूट्यूब का मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पिछले 365 दिन में आपका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए थे नवंबर 2020 में ही, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे जो वॉच टाइम था वो कुछ कम रह रहा था, तो वो मेरा वॉच टाइम जाके पूरा हुआ 30 नवंबर 2020 के लिए, और फाइनली मैंने 1 दिसंबर 2020 के लिए अपनी मोनेटाइजेशन ऑन किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा मोनेटाइजेशन 3-4 घंटे में ही ऑन हो गया और मेरी 1 दिसंबर 2020 के शाम से ही वीडियोस पर ऐड आना स्टार्ट हो गए। तो फ्रेंड्स जब मेरे ऐड आना स्टार्ट हो गए तो मुझे हाँ एक तसल्ली मिली कि हाँ चलो अब कुछ इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो फाइनली मेरे यूट्यूब पर कुछ पैसे अर्न होना स्टार्ट हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे यूट्यूब क्रिएटर में तो पैसे अर्न होना स्टार्ट हो गए, लेकिन फ्रेंड्स मुझे अब भी भरोसा नहीं था कि ये पैसे कभी कैश में ही मुझे मिल पाएंगे या नहीं, क्योंकि कई बार जब हम कोई गेम खेलते हैं तो वहाँ पर हमारे पॉइंट्स होते रहते हैं हमें, और उसमें हमें दिया जाता है कि ये पॉइंट्स को रिडीम करके आपको कुछ कैश मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हम वो क्राइटेरिया भी पूरा कर लेते हैं लेकिन हमारे को पैसे कभी विड्रॉल ही नहीं होते। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो गया था, तो मुझे भी ये भरोसा नहीं था कि ये जो पैसे हैं वो मेरे कभी कैश में आ जाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो लेकिन फिर भी मैं रेगुलर काम करता रहा। तो फ्रेंड्स अगर आप क्रिएटर होंगे तो आपको पता ही होगा जो हमारे यूट्यूब स्टूडियो में पैसे होते हैं वो नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख के लिए आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह से मेरे क्रिएटर स्टूडियो में जो पैसे होते थे वो 11 तारीख के लिए एडसेंस में ऐड हो जाते थे। तो फ्रेंड्स एडसेंस का यहाँ पर जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, यानी आप जो मिनिमम पैसे निकाल सकते हैं वो कम से कम आपके $100 होने चाहिए। लेकिन अभी मेरी इतनी इनकम नहीं थी जो मेरे पर मंथ से यहाँ पर $100 हो पाए, तो मेरे यहाँ पर 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगभग 5 महीने में यहाँ पर मेरे $100 कंप्लीट हो पाए, और फाइनली 11 मई 2021 को मेरे एडसेंस में बुक कैश अपडेट हो गया, और कैश अपडेट होने के बाद यहाँ पर मुझे बैंक ऐड करना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बैंक ऐड करना होता है, तो जो हम नेशनल पेमेंट करते हैं उसके लिए तो हमें IFSC कोड चाहिए होता है, अकाउंट नंबर चाहिए होता है, अकाउंट होल्डर का नाम चाहिए होता है और पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये पैसे हमारे आ रहे थे इंटरनेशनल, तो इसमें एक चाहिए होता है हमें स्विफ्ट कोड। तो फ्रेंड्स मैं अपने बैंक गया, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है नेकपुर ब्रांच में बदायूं में, तो वहां पर जब मैं गया तो उन्होंने मुझे स्विफ्ट कोड दिया, तो वो स्विफ्ट कोड लगा के मैंने अपना अकाउंट अपडेट किया एडसेंस अकाउंट पर। तो फाइनली फ्रेंड्स जो हमारे 11 तारीख के लिए अमाउंट अपडेट हो जाता है एडसेंस पर, वो 21 तारीख के लिए हमारा पैसा बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। तो फाइनली अब मुझे 21 तारीख का वेट था। तो फ्रेंड्स फाइनली 21 तारीख आ गई और 21 तारीख मेरा पूरा दिन वेट करते करते निकल गया, लेकिन मेरे पास कोई भी मेल नहीं आया कि आपका पेमेंट भेज दिया गया। तो गाइस मेरे एक फ्रेंड है आराम भाई, मैंने उनके लिए मैसेज किया भाई 21 तारीख हो गई और पेमेंट थ्रेशोल्ड भी पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई पेमेंट का मेल तो रिसीव ही नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि 1-2 दिन लेट भी हो जाता है मेल, मेरा खुद 22 तारीख के लिए आया था, तो मैंने कहा चलो एक दिन और वेट करते हैं। तो फाइनली
बहुत दिन कट गया, मैं सो गया। सुबह जब मैंने फोन उठा के देखा तो करीब रात के 1 बजे मेरा एक मेल आया हुआ था कि आपका जो पेमेंट है वो भेज दिया गया है यहाँ से, अगर 4 से 5 दिन में आपको पेमेंट रिसीव नहीं होता है तो आप अपने बैंक में संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इंटरनेशनल पेमेंट होता है वो हमें तुरंत रिसीव नहीं होता, वो कन्वर्जन होकर हमें 2 से 4 दिन पेमेंट रिसीव होने में लग जाते हैं। तो 21 तारीख थी सैटरडे की, नेक्स्ट डे संडे पड़ गया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वेट करने लगा, सोमवार गुजरा, मंगल गुजरा, बुधवार, लगभग 4 दिन गुजर गया लेकिन कोई पेमेंट नहीं आया। तो फ्रेंड्स, फाइनली 4 दिन गुजर गए थे लेकिन मेरा पेमेंट अभी बैंक में रिसीव नहीं हुआ था। मैं रोज अपना बैंक अकाउंट चेक करता लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने सोचा बैंक जाता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और इसके साथ ही जो बैंक है उनमें अभी जरूरी काम हो रहे हैं और काफी लंबी लाइन भी लग जाती है, तो मैंने बैंक जाना सेफ नहीं समझा। तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। जब बैंक ऑफ बड़ौदा के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया तो मैंने मैडम को काफ़ी समझाने की कोशिश की, मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ, मेरा एडसेंस का पेमेंट है वो मेरा भेज दिया गया है 21 तारीख के लिए लेकिन मुझे अभी भी अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ। लेकिन उनकी कुछ भी समझ नहीं आया, वो बार बार गूगल पेमेंट समझते रही। फिर मैंने फाइनली कॉल कट कर दी, मैंने कि चलो कोई यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं जिनका पेमेंट रिसीव हो गया होगा, उन्हें एक्सपीरियंस होगा कि कभी कभी हो सकता है लेट भी हो जाए पेमेंट। तो फाइनली मैंने एक वीडियो देखी थी टेक्निकली योगी जी की, जिसमें उन्हें बताया था कि मिनिमम आपको 3 से 4 दिन लग जाते हैं लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पर 15 दिन भी लग सकते हैं पेमेंट रिसीव होने में। तो मैंने सोचा मेरे तो अभी 4 दिन ही हुए हैं, चलो वेट करता हूँ। और फ्रेंड्स, फाइनली 27 मई 2021 को शाम 5 बजे मेरा पेमेंट मुझे बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया। और फ्रेंड्स, मेरा बैंक अकाउंट में पेमेंट मुझे जब रिसीव हुआ तो मैं फ्रेंड्स आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई, क्योंकि मेरे शहर बदायूं में बहुत ही कम क्रिएटर हैं और ऐसे क्रिएटर तो बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें अपने यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट रिसीव हो चुका है। और सर, टैग आराम भाई के बाद मैं अपनी सिटी में दूसरा ही होगा जिसे यूट्यूब से अपनी फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुई है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मुझे यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट कितनी रिसीव हुई है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडसेंस में आपके मिनिमम $100 होने चाहिए, तभी आपका एडसेंस आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर आपके ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अप्रैल तक की टोटल अर्निंग $112 हुई थी। अगर आप इसे डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक एस्टिमेट लग जाएगा कि मुझे कितनी यहाँ पर अमाउंट रिसीव हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, जो आप काफ़ी लोगों के डाउट्स भी रहते हैं कि यहाँ पर जो डॉलर का रेट है वो उस दिन का लगता है जिस दिन पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आपने अर्निंग चाहे कभी भी की हो लेकिन रेट उसी दिन का लगेगा जिस दिन आपका पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर बैंक भी इसका कुछ चार्ज लेता है, यानी यहाँ पर आपके जो डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट किए जाते हैं तो यहाँ पर आपका कुछ कन्वर्जन चार्ज भी जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट में ₹45 डेबिट हो गए थे, लेकिन मैं कल से परेशान थी ₹45 किस बात के डेबिट हो गए। लेकिन कुछ देर बाद मेरे 1-2 घंटे बाद ही यहाँ पर मेल आया जिसमें पूरी डिटेल्स थी कि किस क्या कन्वर्जन चार्ज रहा, कितने बैंक में अकाउंट में आपके रुपए ट्रांसफर किए गए और यहाँ पर कितने आपकी फ़ीस ली गई है। तो यहाँ पर मेरे ₹45 जो डिडक्ट हुए थे वो कन्वर्जन फीस के हुए थे, तो मुझे बाद में जाके वो कन्फर्म हुए थे कि किस बात के पैसे डेबिट हुए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात उन लोगों के लिए और कहना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि आपके यूट्यूब के रुपए फ्री के आ गए, तो अगर फ्री के रुपए हैं तो आपके पास भी स्मार्टफोन है, आपके पास भी यूट्यूब है, आप भी कमाओ और मौज लो। क्योंकि फ्रेंड्स, यूट्यूब पर काम करना इतना भी आसान नहीं होता है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला ही क्राइटेरिया होता है वही कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप क्रिएटर होंगे तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर करने और यहाँ पर 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर आप ईमानदारी के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लग जाता है और उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट रिसीव करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप वीडियो को प्रमोट नहीं करेंगे और रेगुलर वर्क करते हैं तो लगभग आपको 1 साल तो लग ही जाती है यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने की। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर 9 जून 2020 से मैं रेगुलर वर्क कर रहा हूँ और आप आज देख सकते हैं मुझे 27 मई 2021 को पूरा पेमेंट रिसीव हुआ फर्स्ट, तो आप देख सकते हैं लगभग मुझे 1 साल ही लग गई। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ज़्यादा फेस कैम वीडियो बना भी नहीं पाता हूँ इसी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ इंटरनेट कैफे का काम करता हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, शाम या सुबह का ही टाइम मिलता है। और दूसरी बात, अभी लॉकडाउन चल रहा है लेकिन मैं फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इतने में ही अगर इस वीडियो की बात करूँ मैं 3 से 4 बार उठ चुका हूँ, इस चीज़ का अंदाज़ा आप जो कैमरा एंगल चेंज होता है उससे लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार कोई ना कोई खटखटा देता है क्योंकि अभी दुकान बंद है तो कुछ काम है वो घर से कर देता हूँ, तो इस वजह से मुझे काफ़ी बार उठना पड़ जाता है फेसकैम वीडियो बनाते टाइम, इसलिए मैं ज़्यादा फेसकैम वीडियो नहीं बना पाता। तो फ्रेंड्स, अब तक का हमारे यूट्यूब पर सफर बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आई होप आप लोग ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि आप भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बना के हेल्प करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।